नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ सामुद्रिक शास्त्र से एक महत्वपूर्ण विषय लेकर। आज का विषय है हथेली में साहित्यकार बनने के लक्षण, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एक सफल कवि का क्या है लक्षण हथेली में, हथेली में किस प्रकार का लक्षण हो तो व्यक्ति एक सफल कवि बनता है और अपने लेखन के माध्यम से समाज में प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। तो आज का विषय रहेगा कवि, लेखक और एक सफल साहित्यकार। यह तीनों ही विषय मैं आपको अलग अलग करके समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आप भी अपने जीवन में लेखन के माध्यम से प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो इस योग को अपने हथेली में अवश्य देखें कि आपके हथेली में यह योग बन रहा है कि नहीं। यदि यह योग आपके हथेली में बन रहा है तो आप निःसंदेह लेखन से समाज में मान सम्मान पाएंगे, प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। और जो मैं साहित्यकार का योग बताने वाला हूँ, यदि यह योग आपके हथेली में दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि आप एक सफल साहित्यकार बनेंगे। कवि बनने के जो लक्षण होंगे, यदि वह आपके हथेली में दिखाई पड़े तो आप समझ जाना कि आप अपने जीवन में एक सफल कवि होंगे और इस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक सफल साहित्यकार बनने का योग क्या है, क्या है लक्षण। तो प्रिय दर्शकों, जिन लोगों के हथेली में गुरु पर्वत और चंद्र पर्वत दोनों ही विकसित हो, प्रिय दर्शकों जिन लोगों की हथेली में गुरु पर्वत और चंद्र पर्वत दोनों ही विकसित है और साथ ही अनामिका उंगली जो सूर्य की उंगली है वह तर्जनी से लंबी हो, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल साहित्यकार बनता है। आइए समझते हैं गुरु का पर्वत और चंद्र के पर्वत के बारे में। प्रिय दर्शकों, तर्जनी उंगली के जो मूल भाग में पर्वत है यह गुरु का पर्वत है और चंद्र पर्वत हथेली में यहाँ पर है, यानी जो बुध की उंगली है, कनिष्ठिका उंगली के मूल भाग में बुध पर्वत और बुध पर्वत के नीचे मंगल पर्वत और मंगल पर्वत के नीचे जो पर्वत है वह चंद्रमा का पर्वत है, यह है चंद्रमा का पर्वत। यदि हथेली में चंद्र पर्वत विकसित हो और गुरु पर्वत विकसित हो, इसके साथ साथ ही अनामिका उंगली तर्जनी से लंबी हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल साहित्यकार बनते हैं। और इसके साथ हथेली में यदि सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा, जो यहाँ एक रेखा निकलती है अनामिका के मूल भाग से, वह सूर्य रेखा कहलाती है, और वह सूर्य रेखा और सूर्य पर्वत विकसित है तो ऐसे व्यक्ति लेखन के माध्यम से समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। चंद्र पर्वत से यदि कोई रेखा धनुषाकृति में बुध पर्वत पर पहुंचे, चंद्र पर्वत से कोई रेखा धनुषाकृति बनकर बुध पर्वत पर पहुंचे तो ऐसे व्यक्ति एक सफल कवि होते हैं। सारे योग हथेली में बनने चाहिए, यानी हथेली में गुरु पर्वत उभरा हुआ हो, चंद्र पर्वत विकसित हो, हथेली में सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा स्पष्ट हो, और अनामिका उंगली तर्जनी से लंबाई लिए हो। इसके साथ यदि चंद्र पर्वत से, जो चंद्र पर्वत है यहाँ से कोई रेखा धनुषाकृति में बुध पर्वत पर जा रही हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल कवि होता है। और इसके साथ साथ यदि हथेली में मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा स्पष्ट है तो वह अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है, अत्यंत ऊंचाई पर पहुंचता है और समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो पाता ही है, साथ में आर्थिक दृष्टि से भी कोई कमी नहीं होती, अपने क्षेत्र में सफलता हासिल कर लेता है। तो यदि आपके भी हथेली में यह योग बन रहा है तो आप भी निःसंदेह अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय को समझ गए होंगे, हथेली में किस प्रकार के योग बनेगा तो कवि योग कहलाएगा, किस प्रकार के योग होने से एक सफल साहित्यकार बन सकते हैं,
और उसमें क्या विशेष होगा जिससे आपको लेखन के क्षेत्र में सफलता हासिल होगी और आप अपने क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं, यश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको इस विषय में कहीं समझ में ना आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अनुमति दें, नमस्कार।